नाम मेरा मोनिका है और बाय प्रोफेशन टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं अपने पास की बात करूँ तो मैं टीचिंग प्रोफाइल में मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे थे, लेकिन मोदी केयर में आके मैंने अपने ड्रीम्स पूरे किए। मैं यहाँ से एक साल के अंदर जो मैं 18 साल से कर रही थी, यहाँ मैंने 1 ईयर में अचीवमेंट्स की। 9.5 लाख रुपये की टाटा टिगोर अपने हस्बैंड को गिफ्ट करी। हम 18 ईयर्स से सेकेंड हैंड गाड़ी को मेनटेन करते थे। 50,000 का चेक लिया 1 ईयर के अंदर और अब मेरे ड्रीम्स इतने, आज मैं उड़ान वर्कशॉप के अंदर हूँ लेकिन यहाँ पे आके तो हमारे ड्रीम्स के पंख लग गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ से मैंने अपनी AV6 जो है ये यहाँ से मैंने बुक करा दी है, अपना पेरिस का टूर और जो इतना बड़ा जो एक मुझे अपना फार्म हाउस चाहिए और इतनी सारी चीज़। यस बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं क्योंकि जब मैंने अपनी गाड़ी की पिक्चर लगाई थी तो विद इन 2 से 3 मंथ्स वर्क करने पर मेरी गाड़ी यहाँ से आ गई थी। तो ये सारे ड्रीम्स जो मुमकिन है ना वो मोदी केयर के अंदर ही है, जो हम लोग पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो बहुत सारी लेडीज हैं प्रोफेशन में हैं, वो कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो इसी बैकग्राउंड से हैं? मैं ये कहती हूँ कि टाइम ना जब तक नहीं होता जब तक हम अपना माइंड नहीं बनाते। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि सबसे दुनिया की सबसे बिजी औरत ना मैं ही हूँ, कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब मुझे मोदी केयर समझ में आने लगा ना तो टाइम अपने आप ही निकल गया। आज वही मोनिका है जो पहले टाइम के लिए बहाना बनाती थी और आज फुल टाइम डेडिकेशन से मोदी केयर करती है। सिर्फ माइंडसेट का गेम है। लोग ये सोचते हैं कि घर घर जाके सामान बेचना पड़ता है, अपने आप को डिग्रेड करना पड़ता है, तो आपका उस बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि बिल्कुल आपने सही बोला, घर घर जाके सामान बेचना पड़ता है, लेकिन जो एक अच्छी चीज होती है ना वो घर घर जाके अवेयर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि पोलियो ड्रॉप्स के लिए क्या करते हैं, जो हमारे जो कास्ट प्लान की लेडीज होती है घर घर जाके पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, दूध घर घर जाके बेचा जाता है। बुरी चीज के पास तो लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, तो मोदी केयर जो एक अच्छी चीज है, लोगों के ड्रीम्स अवेयर कराने की चीज है, तो इसलिए अगर घर जाके अगर किसी की लाइफ चेंज हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है। और यहाँ हम कोई सेल्समैन की तरह किसी के भी घर नहीं जाते, हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ होम मीटिंग्स करते हैं। और आपने बहुत अच्छे से अपनी अवेयरनेस शेयर की हमारे साथ। थैंक यू सो मच।